वत्सल धाम राम प्रिय सकल जगत आधार योग शिष्ट तिंदाख सिमन नाम अंगार। भगवत कथा है सिख महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके समक्ष जो दोहा पढ़ा गया है उसमें गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण नाम का अर्थ महर्षि दशरथ को बताते हैं। उन्होंने कहा जो वो बालक वस्तुतः बालक समस्त लक्षणों का आधार है और राम का प्रिय है, सारी सृष्टि का आधार है और यह परम उदार है। इन शब्दों के साथ श्री गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी के गुरु की ओर संकेत किया। जो बात आपके सामने बार बार दोहराई जा रही है कि जैसे कोई नाटक होता है तो प्रत्येक अभिनेता की एक भूमिका होती है और यह भी आप पाते हो कि प्रत्येक अभिनेता की कुशलता भिन्न भिन्न प्रकार के अभिनयों में होती है। कोई हास्य रस का अभिनय करने में सक्षम होता है, कोई कर्ण रस का, कोई वीर रस का। इस दृष्टि से भी मैं विचार करके देखा है तो भगवान श्री राम के इस महानाट्य में भी जितने पात्र हैं उनकी भूमिकाएं भिन्न भिन्न है और उन भूमिकाओं का निर्वाह उनके द्वारा बनी पर बनी प्रकार संपन्न होता है। क्योंकि भी लक्ष्मण जी के विषय में विचार करें कि लक्ष्मण जी की भूमिका हास्यरस की है कि श्रृंगारस की है कि वीर रस की है कि रौद्र रस की है अद्भुत रस की है, तो एकमात्र श्री लक्ष्मण जी ने ही ऐसे बात करें कि भगवान श्री राम के चरित्र में जिस समय जिस रस की अपेक्षा है उसका पूरी तरह से वे निर्वाह करते हैं। और इस दृष्टि से वो श्री भरत और श्री हनुमान जी से ही आगे उसको अन्यथा अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि मैं भरत जी या हनुमान जी को पर लीन सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो उसका तात्पर्य यह है कि भिन्न भिन्न पात्रों की महिमा अलग अलग संदर्भों में और वो सभी महान किंतु श्री भरत की जो भूमिका है और श्री लक्ष्मण की भूमिका में महिमांतर। और इसीलिए आप यह पाते हैं जब महर्षि विश्वामित्र महर्षि दशरथ से ये कहते हैं कि अनुज समेत देह मधुरा था निश्चय वध में हो सना था, आप राम को उनके छोटे भाई के साथ मुझे दीजिए जिससे राक्षसों का वध हो और मैं सनात हो जाऊं। तो इन्होंने छोटे भाई का नाम तो ले लिया और सत्य तो यही है, क्रम तो यही है कि भगवान राम के बाद कोई श्री भरत है कि महर्षि दशरथ श्री राम के साथ लक्ष्मण जी को ही क्यों भेजते। वस्तुतः महर्षि विश्वामित्र जब ये कह रहे थे कि अनुज के साथ दीजिए तो उनकी दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर थी और इसलिए कि वे जानते थे कि जो भूमिकाएं आगे चल करके संपन्न होने वाली है उन भूमिकाओं के लिए श्री भरत उपयुक्त पात्र नहीं। अब आप उसी संदर्भ पर विचार करके देखिए कि महाराज श्री जनक की वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी जिस प्रकार से उनका खंडन करते हैं उनकी बात उनके वक्तों पर या परशुरामी जी पर जिन जन्म वालों का वे प्रहार करते हैं, आप कल्पना कीजिए कि भगवान राम के साथ श्री भरत होते तो क्या कभी भी उनके लिए संभव था कि वे सभा में महाराज जनक को फटकार देते या परशुराम जी पर इतने जरूर
और रंग भरे शब्द का प्रयोग करके तो सम्मानित। और इसीलिए मानव और विश्वामित्र यह मानकर के ही चलते हैं कि रामानुज के रूप में तो भरत नहीं सत्य नहीं वह तो एकमात्र लक्ष्मण ही संभव। और इसलिए ये ऐसे प्रसंग आते हैं विशेष रूप से चित्रकूट में कौशल्यांबा और महारानी सुनैना का जब मिलन हुआ तो कौशल्या जी ने महारानी सुनैना से कहा कि भरत का स्वभाव अत्यंत संकोची, तो भरत रानी की सेवा करना चाहते हैं पर वे संकोच के मारे बोल नहीं सकते। पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि राम तो गल में जाएंगे, ये महामहा मुनियों ने भी मुझे भविष्य बता दिया। पर मैं यह चाहती हूं कि आप महाराज श्री जनक से यह कहें कि वो जब सभा एकत्र हो तो उस समय यह प्रस्ताव रखें कि हाँ राम तो बन जाएंगे पर राम के साथ का भरत को सेवा का अवसर दिया जाए और लक्ष्मण और शत्रु लौट करके अयोध्या का राजभार संभाले। और महारानी सुनैना ने यह प्रस्ताव महाराज श्री जनक के समक्ष एकांत में रखा। महाराज श्री जनक कौशल्यांबा की भावनाओं से प्रभावित होते हैं, कितना अधिक उनका स्नेह भरत से है वे भरत की भावना की रक्षा के लिए भरत के भावना जिन भावनाओं को वे संकोच के बारे में प्रकट नहीं कर पाते हैं उनके लिए महारानी ये चाहती है कि मौन का अर्थ ये न ले लिया जाए कि भरत के साथ अन्याय हो और भरत तो सेवा से वंचित रहे, कम से कम भरत बन में जाएंगे तो उनके हृदय की पीड़ा कम होगी, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे कारण श्री राम को बन जाना था अपितु सेवक के रूप में देख करके वे संतुष्ट होंगे, यह पवित्र भावना थी। किंतु महर्षि जनक ने कहा कि आपका प्रस्ताव कितना भी भावना भरा हुआ हो पर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि श्री राम के साथ तो लक्ष्मण ही जाएंगे भरत नहीं जाएंगे। और वही श्री भरत ने सभा में प्रभु के समक्ष जो है कई विकल्प रखे थे, उन्होंने कहा आप यदि कृपा करके अयोध्या लौटे तो पहला ही क्या, पर अगर आप ऐसा उचित न माने तो मैं आपकी सेवा में बन में रह जाऊं और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए। और प्रभु ने कहा कैसी भरत ने भी कहा कि आपकी यदि आज्ञा हो तो हम सभी लोग बन में आपकी सेवा में रहे, तो आपकी जैसी प्रसन्नता हो आप वैसा कीजिए। किंतु प्रभु ने यह विकल्प नहीं सुना कि भरत तुम मेरे साथ चलो लक्ष्मण लौट जाए। और श्री भरत के मन में इसको लेकर के एक बात आ गई और इसका परिचय आपको मिलता है जब लंका से प्रभु लौट करके विमान से आ रहे थे और भरत जी को सोचना मिली नहीं, क्योंकि श्री भरत की धारणा तो यह थी कि प्रभु लंका से आते हुए पैदल मार्ग से आएंगे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि अगर वे श्रीमोक देरपुर तक आ जाएंगे तो अभिषाद राज्य मुझे पहले भेज करके सूचना दिला देंगे कि प्रभु आ रहे, तो वहां पर उतने मार्ग से नहीं आ रहे, सूचना मिली नहीं। और न मिलने के बाद जब श्री भरत यह विचार करने लगे कि अब तो एक ही दिन शेष है और निश्चित है कि अब तक आने की कोई सूचना नहीं है तो प्रभु नहीं आ रहे, और तब उनके अंतर मन में जो बातें उठी जो संशय जो भय का उदित हुआ उसका गोस्वामी जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है उत्तरकांड के बारे में। और वहां पर वो संकेत आता है प्रभु लक्ष्मण जी को ले गए भरत जी को नहीं ले गए, इसमें प्रभु का उद्देश्य परम पावन था। किंतु श्री भरत उस समय निराशा के छोड़े में यह सोचने लगे कि प्रभु क्यों नहीं आए, और तब उनके मन की जो भावनाएं हैं आपको मानस की इन पंक्तियों में मिलेंगे। रहा एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भय हुआ पारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो। और तब पहला ध्यान उनका अपन मोह ही गया,
श्रीहर्ष को तो कभी प्रभु में कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। वे तो जितनी कमी है वो अपने आप में ही ढूंढते हैं, और इसलिए पहली बात तो उनके मन में यही आई कि लगता है मेरी कुटिलता को प्रभु समझ गए और इसलिए मुझे भूल गए। उन्हें याद नहीं रहा कि 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होते ही मुझे अयोध्या में जाना है कि जान कुटिल मुझे सुनाए। और तब इसका स्मरण आया लक्ष्मण जी का। देखो उन्होंने कहा अहमद धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार वृंदा अनुरागी। धन्य है भैया लक्ष्मण, कितने बड़े सौभाग्यशाली है और प्रभु के चरणों में उनका कितना अधिक प्रेम। अगर श्री भरत से कोई पूछ ले कि आपका प्रेम क्या प्रभु के चरणों में अनाज नहीं, आप प्रभु तो स्वयं आपके प्रेम की भक्ति की शील की सराहना करते हैं। और तब श्री भरत ने यही कहा कि कहना तो ऐसा करते हैं यह तो उनका शील है, पर वे मानते ऐसा नहीं। क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा और ताते नाथ सब नहीं। लक्ष्मण जी को लेकर के गए और मुझे लेकर के नहीं गए, जब उनके सामने यह विकल्प था। तो उसका अभिप्राय यह है कि वो अत्यंत शील और उदारता के कारण मेरे दोषों का वर्णन नहीं करना चाहते थे, पर व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः लक्ष्मण ही वह सेवक है या उनमें ही वह उपयुक्त गुण है जो उनकी सेवा के लिए उपयोगी है, और इसीलिए उन्होंने उन्हें साथ लिया मुझे नहीं लिया। तो उनकी एक अपने अंतर मन की पीड़ा थी, व्यग्रता थी। इसका संबंध सत्य से नहीं था, सचमुच ऐसी कोई बात नहीं थी कि भरत प्रभु को कुटिल समझते हो और कुटिल समझ करके उन्होंने भुला दिया हो, या ये मान करके साथ में न ले गए हो कि भरत ने भक्ति भावना नहीं। पर प्रभु यह जानते कि श्री भरत जिस भूमिका के लिए उपयुक्त है वह भूमिका मेरे निकट रहने पर संपन्न नहीं हो। वे चाहते हैं कि भरत की विशेषताएं, भरत की भक्ति, भरत का ज्ञान, भरत का कर्तव्य पालन यह संसार के समक्ष आवे। और वे जानते हैं कि यदि भरत मेरे साथ रहेंगे तो वे इतने मौन हैं, इतने संकोची हैं कि वो तो कभी अपने हाथ को सामने लाने की चेष्टा करेंगे ही नहीं। और उसको ये दृष्टांत के रूप में कहे कि अब जैसे एक कुआं है और कुएं में पैसा पथित आवेगा तो जल निकाल करके पिएगा। अब किसी व्यक्ति के मन में उस कुएं को देख करके यह लगे कि कुआं बड़ा उपयोगी है तो उसके बगल में एक कुआं और खोद दे, तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। एक कुएं तो पहले से ये बुद्धिमान होगा तो एक छायादार वृक्ष लगावेगा कि पथित धूप में व्याकुल होकर के आवेगा तो छाया में विश्राम करेगा और जल पी करके अपनी प्यास बुझाएगा। तो भरत जी के श्रीराम के साथ भरत माने दोनों का रूप रंग शीर स्वभाव इतना एक जैसा कि वो तो श्री भरत और श्रीराम के साथ रहने का तात्पर्य यह है कि श्री भरत की अपेक्षा और उनके गुणों का प्राकट्य न हो पाए। इसलिए आप जब देखते हैं कि वृक्ष है और ये कुआ है तो दोनों है तो उनके वृक्ष ऊपर जा रहा कुआ नीचे है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम इसे जानते हैं कि श्री भरत इतने संकोची है, इतने शीलवान है कि मेरे साथ रह करके तो कभी भी उनके वो संसार के सामने आ ही नहीं सकते। बल्कि आपने पढ़ा होगा कि गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान राम जब बन गए तो उसका उद्देश्य यह था कि भरत के वो संसार के सामने कैसे आओ। गोस्वामी जी ने कहा जैसे समुद्र में रत्न और अमृत होते हुए भी जब तक मंथन नहीं हुआ तब तक उसमें से रत्न और अमृत नहीं निकला, इसी प्रकार से भरत अगाध समुद्र और अनगिनत गुण उनमें विद्यमान पर प्रकट नहीं हो रहा था। और तब भगवान राम ने सोचा भरत को जरा मथ करके उन गुणों को और अनंत को प्रकट करें। और तब उन्होंने कहा इनको मथने का उपाय क्या है, तो उन्होंने वर्णन किया कि जैसे समुद्र को मथने के लिए मंगलाचरण पर्वत को मथानी बनाया गया था, इसी प्रकार से 14 वर्ष के वियोग की मथानी, एक दो दिन का वियोग नहीं,
14 वर्ष नया भविष्य योग हो जाए, गुरु हो जाए, और उसमें भी प्रभु को कितना कठोर कार्य करना पड़ा। भरत के मंथन के लिए भरत जी से दूरी तो आवश्यक ही है, अपितु तो प्रभु चाहते हैं कि भरत को कलंक लग जाए तो अच्छा, बहुत तो अटपटाने लगे आपको। उसका अभिप्राय यह है कि प्रभु यह जानते हैं कि भरत को जब तक ये पीड़ा नहीं हो, ज्ञानी नहीं होगी, तब तक तो ऐसे समुद्र है कि कभी उनकी विशेषता प्रकट नहीं होगी। इसलिए भरद्वाज जी ने भरत से यही कहा कि भरत तुम्हें कलंक लगा कि तुम्हारे लिए ही राम को बन जाना पड़ा, या भरत की माता ने ही श्री राम को बन दे दिया। पर भरत ये तो बहुत अच्छा हुआ, किसी को कलंक लगा तो आप कहेंगे देखो बैठे बैठाए आपको कलंक लग गए, कितने बुरे लोग हैं कि जो कलंक लगा रहे हैं। पर भरद्वाज जी ने यही कहा कि नहीं नहीं भरत, तुम्हें कलंक लगा इससे बढ़कर के तो कोई अच्छी बात हो गई। क्यों? बोले तुमने कहा भरत कलंक यह, और हम सब कह उपदेश राम भगत रस सिद्धि हित भाई ही समझ गए। अगर तुम्हारा तुम्हें कलंक न लगता और तुम वियोग में व्याकुल होकर के वन की ओर न जाते तो संसार को उपदेश देने वाले मुझ जैसे मुनियों को कौन उपदेश देकर के अपने चरित्र के द्वारा भक्त का सच्चा तत्व प्रकट कर देता। और इस दृष्टि से भगवान श्री राम यह जानते हैं कि भरत की महिमा मेरे वियोग में ही प्रकट हो सकती है, मेरे निकट रह करके नहीं। इसलिए वो निरंतर भरत को, भरत का जो उनके सद्गुणों का पक्ष है, सचमुच भरत वक्ता है क्या इसे कोई जानता था? कभी नहीं जानता। लक्ष्मण वक्ता है तो सरदारों का प्रसिद्ध था, जिनके वाणी सुन करके लोग सर्रा उठे, पृथ्वी का उठे। पर भरत तो बोले भी तो इतने वर्षों के बाद जब गुरु वशिष्ठ ने भरत से राज्य लेने के लिए कहा तब बोले तो लोगों को लगा कि अरे तो बड़े ही अद्भुत वक्ता। तो ये जो सारे सद्गुण है श्री भरत के उसी समय प्रकट हुए जब योग की स्थिति आई। और लक्ष्मण जी सचमुच योजना अभी आपके सामने जो बात कही जा रही कि लक्ष्मण तो हर भूमिका में कोई भी कैसी भी भूमिका क्यों न हो का उसमें सहमत तो आप वही पाएंगे कि लक्ष्मण उसी रस को साकार करने के लिए प्रस्तुत है। आप कल्पना कीजिए कदंबिका ऋण में शूर्पणखा प्रभु के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई और प्रभु ने शूर्पणखा से यह कह दिया कि अहर कुमार मोर लहु व्यापा, मेरा छोटा भाई कुमार है। कल्पना कीजिए भरत बैठे होते तो कभी प्रभु शूर्पणखा को उनके पास भेज सकते थे? सोचने नहीं सकते थे। और जिस तरह से जंग भरे शब्दों का लक्ष्मण जी ने प्रयोग किया, क्या आप भरत जी के चरित्र में उसका की कल्पना कर सकते? शूर्पणखा जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखती है और रखने के साथ साथ ये कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई ने कहा है कि वो विवाहित है, तुम कुमार हो, इसलिए उनकी आज्ञा से ही मैं आई हुई हूं, तुम उससे विवाह कर लो। अब लक्ष्मण जी को तो ये कहना चाहिए था कि नहीं विवाह विवाह हो चुका है। भरत जी तो बिल्कुल नहीं कहते कि नहीं तो वो तो यही कहते कि माँ मेरा तो आप कैसी बात कह रही है, मैं तो बिल्कुल प्रभु का अनुगामी हूं, मेरा विवाह हो चुका है। पर वो तो लक्ष्मण जी ही है कि शूर्पणखा से एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा विवाह हो गया। क्यों? बोले अच्छा इसमें प्रभु हास्य रस का आनंद लेना चाहते हैं और हास्य रंग का आनंद लेना चाहते हैं तो तुम्हें सत्यवादी बनने की आवश्यकता है। पर जैसा वो चाहते हैं इस समय, अब अगर न चाहते हैं तो भक्ति क्यों? वो तो सीधे कह देते कि नहीं मंतव्य भाव, पर जब वो भर गया है तो लेना चाहते आनंद, तो मेरा कार्य तो यही है कि उनको जिसमें आनंद मिले। और आप इन्हीं जो बोलने की शैली है कैसी प्रभु के हास्य में सहयोग नहीं दे रहे, जैसे प्रभु ने कुमारी कह करके भेज दिया उसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा कि इस बार तुम फिर जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने यही कहा। और जब शूर्पणखा को देख करके उन्होंने वो शब्द कहा, श्री भरत के मुंह से कभी वो शब्द नहीं कह सकते। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुनो, सुंदरी सुनो। लक्ष्मण जी सुंदरी कह करके कितना बड़ा दंग कर रहे, पर भरत जी तो उस दृष्टि से अभ्यस्त नहीं और तुरंत कहा सुंदरी।
तुम मुझसे विवाह करने के लिए आई हो भले ही, तो सुंदर सुन गए उलकर दासा पराधीन नहीं तोड़ से बासा। अब एक सेवक से विवाह करने में तुम्हें क्या अरण्य मिलेगा, क्या सुख मिलेगा? क्या इसलिए तुम विवाह भी करना चाहती हो तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो? जो बढ़कर कह सकती है कि वो तो विवाहित है और तुम कहते हो कि तुम सेवक हो, मैं तुम्हें सुपास मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा फिर से, और कितना बड़ा दैव्य कर दिया। सुरप्रभा कह सकती है कि नहीं, वो तो पहले कर चुकी कि मेरा विवाह हुआ। तो लक्ष्मण जी तरफ कहते विवाह हुआ है तो क्या हुआ? क्यों मेरे प्रभ समरथ समरथ कह लेंगे सुखाई प्रभु समरथ, और उससे भी बड़ा दंग किया कौशल पूरा राजा। तुम जानती हो वो अयोध्या के राजा है, अनगिनत विवाहों की परंपरा कौशल पूर्व राजाओं की रही है। वो दो कर लेंगे तो कोई आपत्ति थोड़ी हो। महाराज लक्ष्मण की भूमिका कल्पना कीजिए, जो महान विरागी जो पत्नी का प्रत्याग करके सेवा के लिए वन में आया हुआ, जो महान ब्रह्मचर्य और विराग में स्थित है, और इतना होते हुए भी प्रभु के आनंद की वृद्धि के लिए जो वह विरोध कर सकता है वो तो उन्हीं के लिए संभव है। न हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं। कह दिया प्रभु समरत कौशल राजा, जो कछु करें उन्हें सब खाया। अरे वो तो मैं तो कुछ भी करूंगा तो मेरी आलोचना होगी, और वो जो कुछ करेंगे सब उनको शोभा देगा। और इसका अर्थ यह है कि अब सूर्यप्रथा सचमुच लक्ष्मण जी की बात मानकर फिर प्रभु के भाग गए। और फिर प्रभु ने क्या किया? प्रभु लक्ष्मण पा बहुत कठाई। अब उसके बाद में प्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं लगता है वो संकोच कर रहा है, एक बार तुम और जाकर के प्रयास करो। और वो सूर्यप्रथा जाकर के वह प्रयास करती है, और जब इस तरह से यहां से वहां वहां से यहां उसको बुरा लगा, और तब उसका सारा क्रोध ऐसा लगा सीता जी के को देख करके उसके मन में घोर ईर्ष्या। देखो तो इस राजकुमारी के कारण ही संभवतः कई राजकुमार मेरी हस्ती उड़ा रहा है, ये दोनों हमारे ऊपर इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, और उसे लगा कि अगर मैं सीता को समाप्त कर दो तो ये राज्य हो जाएंगे मुझसे विवाह करने के लिए। और जिस समय अपना भयंकर रूप प्रकट करती है तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अब विनोद किया भगवान राम ने, उसकी स्थिति ये पहुंचा ली तो दंड भी तो लोग अगर खाने के लिए आ रही है तो प्रभु को दंड देना चाहिए। तो दंड देने का काम उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया, संकेत कर दिया इसके लाभकार निकाल दो। तो प्रभु नहीं कर सकते है क्या? लेकिन उनका संकेत है, अभी इतना हास्य विनोद का आनंद ले रहे, और जो है प्रभु का यह संकेत मिला तो लक्ष्मण अति लाभ होते ही नाक काल बिन की क्यों उस ताके कर रावण कह मिला चुनौती दी। बस होता है वो नाक कान काटने के बहाने जो चुनौती देना चाहते थे रावण, उसका अभिप्राय है एक ओर लंका की प्रतिजी सूर्यप्रख जिसमें आसक्ति वासना और वह अनाचार की वृत्ति विद्यमान, और दूसरी ओर यह लक्ष्मण का चरित्र भगवान श्री राम का एक पत्नी व्रत, यही तो दोनों आदर्शों की मान्यताओं की टकराहट है मनुष्य। तो अब प्रभु के आदेश से जो अभी व्यंग विनोद का आनंद और ले दे रहे थे, और अगले ही क्षण प्रभु का संकेत मिलते ही इतनी शीघ्रता से उन्होंने उसकी राशिकला और काल का उच्छेद कर दिया, वो नहीं सिद्ध करता कि लक्ष्मण जी की अपने कोई स्वतंत्र धारणा मान्यता या आकांक्षा नहीं। वो तो यही मानते चलते हैं कि प्रभु जिस समय जो कार्य लेना चाहते हैं वो कार्य करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा व्रत है, और यही भूमिका आपको संरक्त मानस की उनका उनकी भूमिका तो दिखाई देगी। और इस संदर्भ में कल जो प्रसंग चल रहे थे, कल और परसों परशुराम जी और महाराज श्री जनक का प्रसंग, उसके पहले एक ऐसा प्रसंग है और उस प्रसंग के प्रति आप सबके मन में बड़ा आकर्षण होता है, तो है। और वह प्रसंग है पुष्पवाटिका का प्रसंग। अब आप लक्ष्मण जी का वह रूप देखिए जो जनक के समान है, और फिर आप लक्ष्मण जी का वह रूप देखिए जो परशुराम जी से वार्तालाप करते हुए,
इन दोनों घटनाओं के पहले आप उस वाटिका प्रसंग पर दृष्टि डालिए और वहां लक्ष्मण श्रृंगार रस के संदर्भ में जो भूमिका उनको दी गई और आप सोचिए कल्पना कीजिए कि वहां उस वाटिका का जो प्रसंग है वो रामायण के ऐसे प्रसंग में है जो अत्यंत लोकप्रिय, पर अधिकांश लोग उसमें जो रस लेते हैं वो बहुत ही निम्न धरातल पर और सस्ते मनोरंजन के संदर्भ में, किंतु वो समझी का गंभीर जो है वह मनोरंजन का माध्यम नहीं है। मनोरंजन का भी एक किंचित पक्ष उसमें है, लेकिन इतना होते हुए भी गोस्वामी जी ने एक बहुत मधुर संकेत किया और वो ये है कि उन्होंने कहा कि रामचरित मानस जो है एक सरोवर और उसमें कमल है, पुराइन है, जल है और जल के गोग्रह है, मछली है, हंस है और इस तरह से मानस सरोवर, पर सरोवर सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, उसका लोग मनवाला दुरुपयोग करते। अब कोई तालाब में घुस के कमल तोड़ने लगे, पुराइन को उखाड़ने लगे, जल में गंदगी धोने लगे, ये भी संभव। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरित मानस स्वर जो है उसमें रखवाले भी, और वो रखवाले कौन है? बोले जिन गावहु यह चरित्र संहारे प्रेम ताल चतुर रखवाले। गोस्वामी जी कहते हैं जो लोग ये प्रभु के चरित्र को संभाल कर गाते हैं वही इस ताल के चतुर रखवाले। कितनी बड़ी बात कही गई, मानो संकेत यह है कि रामचरित मानस को जो संभाल के गाते हैं तो गायन का भी अर्थ है। जब कोई व्यक्ति वाद्य और अन्य उपकरणों के साथ का रामायण की चौपाइया उसको रखता है तो लोग कहते हैं ये गा रहे, वो भी गाने का अर्थ। लेकिन यहां जो गाने शब्द का अर्थ है वो नहीं, ये गाना जो है इसका अभिप्राय नहीं कि संभाल के गाने का अभिप्राय है कि कितने बाजे बज रहे हैं और कितने बढ़िया ढंग से गाया जा रहा है। ये गावे यह चरित्र संवारे, क्योंकि इसकी याद रखिए क्या गवैये में कौन है। बोले गोस्वामी जी ने कहा काज भूषण जी गौड़पति गावा, जहां कौए ने गा करके गौड़ को सुनाया। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कौए ने गाया होगा तो किस स्वर में गाया होगा। गोस्वामी जी अगर ये कहे कि कौए ने गौड़ जी को सुनाया तो समझ में आता है, कौए ने गौड़ से कहा तो समझ में आता है, पर जब उन्होंने कहा इसको गाया कौए ने तो इसका अर्थ ये है कि गायन शब्द का ये वाद्योक्त तो अर्थ भी है, पर वस्तुतः रामायण में इस शब्द का जो प्रयोग किया गया उसमें एक बहुत बड़ा संकेत। जो गामनी ने चरित्र संभारे तो इन ताल चतुर रखवारे, इसका एक विशेष तात्पर्य। और ये है कि जैसे संगीत में बड़ा मधुर कंठ से कोई गा रहा हो, अभी एक दिन विनानी जी मुझे ले गए, बहुत सुंदर संगीत का आयोजन था, तो वो जो संगीत था वो बड़ा स्तुति मधुर था, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, किंतु मैं कोई उसका अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि हमें तो कंठ मधुर है तो हमें लगा क्योंकि संगीत बहुत अच्छा बड़ा आनंद है। लेकिन जो व्यक्ति का उस राग की शुद्धता का जिसको यह ज्ञात है कि वो तो बहुत बढ़िया हमें लग रहा है और एक संगीत को समझने वाले को लगता है कि इसने तो यहां पर उसका स्वर भंग हो गया, इसने राग को अशुद्ध गा दिया, उसका अभिप्राय यह है कि एक संगीत का आनंद वह व्यक्ति लेता है जो साधारण केवल कान के द्वारा मन के द्वारा आनंद लेता है, पर संगीत का समग्र आनंद सही अर्थों में तो वह लेगा कि जिसको ठीक ठीक राग रावणी का ज्ञान है और जिसको लगेगा कि एक स्वर में भी कहीं भूल होनी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान राम के चरित्र के रखवाले हुए हैं जो संभाल करके गावे गावे, चाहे वाद्य से गावे और चाहे कंठ से गावे और चाहे बिना देखने में बिना गाए सुनावे। और उसको संभाल करके गाने का अर्थ क्या, संभालने का तात्पर्य क्या है? पुष्पवाटिका प्रसंग में यह बात मैंने इसलिए कही कि भगवान श्री राम पुष्प लेने के लिए वाटिका में गए। अब जिस समय लगता लोग यह कहते हैं कि भगवान राम पुष्प वाटिका में क्यों गए,
तो वो अधिकांश वक्ता ये कहते हैं कि जब भगवान राम जनकपुर के मार्ग पर चल रहे थे तो जनकपुर वासियों ने स्त्रियों जनकपुर वासिनियों ने फूल वर्षा के संकेत किया था कि वाटिका में आई। अगर यही संभाल के गाना तो इससे बढ़कर के अनर्थ क्या हो सकता है। इसका अर्थ क्या आपको बड़ा अच्छा लग गया कि अगर जनकपुर के सखियों ने फूल वर्षा की आ जाएगी तो आप श्री राम को किस भरातल पर ले आ रहे हैं। ये गावे में चलित समारे का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम को गोस्वामी जी जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहते आप चाहे तो उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जैसा रूप दे दीजिए। और साधारण जो व्यक्ति होते हैं जैसा मैंने कहा कि अब वो मैंने बड़ा आनंद पाया पर शुद्ध था कि अशुद्ध था इसका परिचय तो बिरानी जी को मिला होगा ना कहीं कठी। किसी प्रकार से का मानस एक महान सिद्धांत ग्रंथ और उस सिद्धांत ग्रंथ का एक ही महानतम सूत्र है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह रामायण के सिद्धांत के प्रतिकूल न हो जाए। श्री राम का जो एक महानतम पक्ष प्रस्तुत किया गया जो गोस्वामी जी का उद्देश्य है कहीं वो उद्देश्य नष्ट हो जाए नष्ट न हो जाए। और जहां तक जनता की बात है तो गोस्वामी जी ने तो व्यंग कर ही दिया जनता के लिए तो तुलसीदास जी ने ऐसा शब्द कह दिया कि सुन करके जनता को बुरा ही लगेगा। तो गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया बड़ी गुण हो रही है पर प्रसन्न मत हो जाना क्यों बोले तुलसी घेड़ी की दसन जड़ जनता सम्मान। अरे सब जड़ है इनमें बुद्धि का लेश नहीं है ये तो कभी भी जहां उनको अच्छा लगा चले जाते हैं। और कह दिया कि सबसे बड़ा बड़ी कठिनाई ये है कि जिसको ये सम्मान मिलता है उसको बड़ा अभिमान होता है। तो मैं कितनी ऊंची बात कह रहा हूं तब लोग इतने लोग इतने कष्ट उठा करके सोर कर रहे हैं और व्यक्ति अपने पल को भूल जाता है। गोस्वामी के तुलसी भेड़ी की दसन जन जनता सम्मान जन जनता सम्मान करने का अभिप्राय है कि वस्तु के चमक की कसौटी आपकी आंख हो सकती है पर सोना है कि नहीं इसकी कसौटी आपकी आंख नहीं है वह तो जो शराब है उसकी जो कसौटी पत्थर है वो है। और इसलिए ये जो प्रसंग कुशवाटिका का है ये तो रामायण का एक ऐसा प्रसंग है कमल। और उस संदर्भ में आप विचार करके देखिए मेरा बदल संकेत जाता है कि भगवान श्री राम को कुशवाटिका में फूल तोड़ते हुए माथे पर पसीने की बूंद आई धनुष तोड़ने में बूंद नहीं श्रम नहीं और फूल तोड़ने में पसीने की बूंद। सच पूछिए तो धनुष तोड़ना कठिन नहीं है जितना फूल तोड़ना। फूल तोड़ना तो आपको बहुत आसान अब आप जाकर के पेड़ उखाड़ ले और चाहे जैसे उसको जिस रूप में उखाड़ ले आप समझे फूल तोड़ रहे हैं। मानो उस प्रसंग को गोस्वामी जी एक विशेष उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस प्रसंग में श्री लक्ष्मण की भूमिका पर आप दृष्टि डालिए यह तो एक बड़ी ही अनर्गल बात होगी कि जनकपुर की स्त्रियों ने भगवान राम से यह कहा हो कि वो मैं फूल वर्षा के संकेत कर रही हूं कि वाटिका में आइए। क्या भगवान श्री राम का स्वागत उन जनकपुर वासिनियों ने किया था और वो कोई सबकी सब जनकपुर वासिनियां जो थी उस वाटिका में थोड़ी करते हुए वहां तो सीधा जी और उनकी सखियां थी और उनकी संख्या तो भी थी। पर गोस्वामी जी ने के सामने एक प्रश्न था और वो प्रश्न यह था कि धनुष यज्ञ के द्वारा ज्ञान की पूर्णता और विवाह के मंडप में जो विवाह संपन्न हुआ का उस प्रसंग में मानो धर्मशास्त्र की परिपूर्णता और यह पशुवाटिका श्रृंगार रस का प्रसंग है और श्रृंगार रस का जो यह पक्ष है भगवान कृष्ण के साथ तो श्रृंगार रस स्वभाव से ही जुड़ा हुआ उनकी लीला में कभी भगवान तो एक ही है वही भगवान राम है वही भगवान कृष्ण है। और जैसे एक अभिनेता कभी किसी प्रकार का अभिनय करता है दूसरा दूसरे प्रकार के करता है उसी प्रकार से भगवान राम के रूप में जब वे लीला प्रस्तुत करते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में जब लीला प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और उस उत्तर को अंतर को ध्यान रख करके ही अगर आप आनंद लेंगे तो आपको आनंद मिलेगा और अगर आप केवल मनोरंजन आनंद लेने लगे तो आप भगवान वो जय गामन या चरित्र संभारे तो यही ताल चतुर रखवारे उससे आप दूर चले गए। और इसलिए गोस्वामी जी कितना सुंदर संकेत करते हैं। गोस्वामी जी ने यहां से प्रारंभ किया
और उसमें सूत्र महत्व का यह कि अगर गोस्वामी जी श्रृंगार रस का वर्णन करें तो श्रृंगार रस के साथ सबसे बड़ी समस्या है वासना उच्छृंखलता और मनुष्य के मन का अधोगामी होना। यह समस्या बहुत बड़ी नहीं है। इस देश में जो कविता में रीतकालीन जिसको काल कहते हैं रीतकाल, उसमें श्रृंगार रस के अनेक उच्च कोटि के कवि हुए, पर उनकी कविताओं ने समाज को एक ऐसी दिशा में डाल दिया। जो विषयी राजा थे, जो भोगी राजा थे, कल कवियों से कहते थे और कल उन्हें प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो राजा भोगी होते थे, विलासी होते थे, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कविता अगर भगवान कृष्ण की बना रहे हो तो भगवान कृष्ण के स्थान पर उनके मन में उस राजा को प्रसन्न करने की भावना होती थी कि इनको लगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया और मैं ऐसा कर रहा हूं तो ठीक ही, मैं भगवान कृष्ण का अनुयायी हूं और उससे बड़ा समाज में पतन हुआ। गोस्वामी जी के सामने श्रृंगार साहित्य का महान रस है, का बहुधा ये कहा जाता है कि वो रसराज है। तो अगर श्रृंगार रस को सर्वथा गोस्वामी जी बहिष्कृत कर गए तो वो तो अत्यंत निरस, क्या वो तो वो वृत्ति हुई जो आपने सुना होगा, औरंगजेब को संगीत बहुत अप्रिय लगता था और कई संगीतज्ञों को लगा कि एक व्यंगात्मक रूप से कोई जुलूस निकाले और एक अर्थी लेकर के जनाजा लेकर के कई गायक जा रहे थे। औरंगजेब ने देखा और पूछा कि ये कौन? बोले गायक। क्या लेके जा रहे हैं? बोले संगीत की अर्थी लेके जा रहे हैं, मौसीकी की गाने की। मानो गंग यह था कि आपने संगीत को तो तिरस्कृत कर दिया है, इसलिए अब जनाजा उसका तो लेके जाएंगे। और उतने निर्दयता से यही कहा कि इसको इतना नीचे गाड़ना कि निकलने ना पाओ। उसको यही लगा कि कितना अधिक शुष्क प्रकृति का व्यक्ति था कि जिसने ये कि नहीं नहीं हम अवसर देंगे, कहा उसको इतना नीचे गाड़ दो तो फिर कभी ना निकले। तो गोस्वामी जी मर्यादा का अर्थ निर्दयता और शुष्कता नहीं। तो कई लोग जब श्रृंगार रस की दिशा में बैठे हैं तो चाहे जितना नीचे चले जाते, और कई लोग जब मर्यादा की बात करते हैं तो इतना शुष्क बना देते हैं कि वो तो सर्वथा जीवन निस्तार हो जाए, रस युक्त जीवन का लेश न रह जाए। इसलिए वाटिका प्रसंग की विशेषता ये, इसलिए मर्यादा और श्रृंगार रस दोनों परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले जो रस है उन दोनों रसों को सामंजस्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अगर आप उसका आनंद लेना चाहते हैं तो तभी आप आनंद ले पाएंगे कि जब इस सत्य को नहीं भूलेंगे कि गोस्वामी जी का जो श्रृंगार रस है वो रीतकालीन कवियों का उच्छृंखल श्रृंगार नहीं। और उस सूत्र में आप जब दृष्टिगत रख करके विचार करेंगे तो आपको लगेगा गोस्वामी जी ने क्या किया। प्रसंग है श्रृंगार रस का वहां पर, जैसे किसी रत्न को सुंदर मंजूषा में रख करके उसकी शोभा बढ़ जाती है रखने पर, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने मर्यादा की मंजूषा में श्रृंगार रस का दिव्य रत्न रखा और वो इतना संतुलित है। और मैं कहूंगा कि जितना उत्कृष्ट श्रृंगार जो है उस वाटिका में है मुझे तो किसी साहित्य में मिलता ही, कुछ शब्दों में कुछ वाक्यों में श्रृंगार रस की पराकाष्ठा। पर श्रृंगार रस की विशेषता यह है कि वो मनुष्य के अंतर मन को पवित्र बनाने के लिए, ऊर्जा दिशा में ले जाने के लिए, अधोगामी बनाने के लिए नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। ये जो श्री सीता जी को का जो दिव्य सौंदर्य है, तो उसके संदर्भ में ये प्रश्न आया कि सीता जी की सुंदरता के लिए कोई उपमा दी जाए। कभी तो अपनी बात को उपमा के माध्यम से कहता है, तो गोस्वामी जी सोचने लगे कि कौन सी उपमा दे। भगवान राम के मन में भी सीता जी की सुंदरता देख करके उपमा की बात आई, पर उन्होंने कवियों के माथे पर दोष बढ़ करके छुट्टी पा लिया। भगवान ने कहा मैं कोई उपमा तो देता लेकिन क्या करूं, सब उपमा कवि रहे दुखारी, कई पट तरो विदेह कुमारी। इन कवियों ने जितनी उपमाएं थी उनको जूठा कर दिया। अब जूठी वस्तु तो देवी के भोग में लगाना उचित नहीं है, और शब्द कितना सुंदर चुना, बोले विदेह कुमारी। इन कवियों ने देह कुमारियों के लिए सारी उपमाओं को जूठा कर दिया, बोले तो देह कुमारी नहीं तो विदेह कुमारी।
उसका अभिप्राय है कि संसार में जब श्रृंगार शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो देह की ओर ध्यान जाएगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं मत भूलना कि श्रृंगार वैदेही का है, देही का नहीं। देह की वृत्ति से ऊपर उठ करके ही उस श्रृंगार का सच्चा आनंद लिया जा सकता है। तो उन्होंने तो ये कह दिया, पर जब कवियों के माथे पर दोष बढ़ा तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप तो कवियों का कलंक भोगे, कोई उपमा सीता जी के लिए ढोल लीजिए, न हो तो नई उपमा बना लीजिए। तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि इस संसार में न सही, तो ऊपर ही तो महानतम दिव्य शक्तियां है, उसी उनकी उपमा सीता जी के लिए दे दीजिए। सरस्वती ही बहुत दिव्य सौंदर्यमयी है। अरे गोस्वामी जी ने कहा मैं सरस्वती जी की तुलना इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा मुखर सरस्वती बड़ी बकवादी है। अब सरस्वती को तो लाचारी है, बोलना उनका कार्य है, बोलवाना उनका कार्य है, पर बोले सौंदर्य में बहुत बोलना दोष है। बहुत सुंदर है, निरंतर बोलता जाए तो सामने वाले के अच्छा भी प्रभाव पड़ता। अब सरस्वती दिन रात बोलती है तो मैं कुछ नहीं, उनको उपमा नहीं दूंगा। पार्वती जी उनका सौंदर्य भी तो अलौकिक है, बोले तनु अर्ध भवानी, सुंदर तो है पर अब शंकर जी का आधा और उनका आधा शरीर, अब अर्ध नारीश्वर की हम पूरे से कैसे दुआ करें। अच्छा तो रति परम सुंदरी है, पर सुंदरी तो है बिचारी पत्नी, पति के वियोग में रोती रहती, रति अति दुखता धर्म पति जानी। तो महालक्ष्मी हो तो भगवान विष्णु की प्रिया है, अब विष्णु की प्रिया है और बहुत बड़ा सुंदर, बहुत बड़ा सौंदर्य उनमें है, पर उनका अपने भाई बहनों से इतना प्रेम है कि जहां जाती है एक भाई और एक बहन लेके जाती है। कौन बोले विश्व बारोणी बंधु प्रिय जो ही और कहीं और रमा सम तुम गए गए, जिनको विष और शराब समुद्र में ये भी दोनों निकले। सरस्वती जहां जाती है, लक्ष्मी जहां जाती है, व्यक्ति को मद में मतवाला बना देती और उसका ऐसा व्यवहार कि अंत में विष का ही वो अपने जीवन में और समाज में प्रयोग करता है। इसलिए मैं लक्ष्मी की तुलना भी नहीं करूंगा। तो आप भी कहेंगे कि कोई इतना नहीं बोले, मैं अब नई लक्ष्मी बना रहा हूं। और नई लक्ष्मी का प्रसंग तो बड़ा विस्तृत साहित्य का हरणदायी रूप है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि वह समुद्र नहीं, कौन सा समुद्र चाहिए? उनका जो छवि सुधा पवन निधि हुई, छवि का अमृतमय समुद्र, वह समुद्र जिसमें खड़ा फल है उससे यह लक्ष्मी नहीं निकलेगी, छवि का अमृतमय समुद्र। अब सारी वस्तुओं को जब बदलने लगे, समुद्र भी आपने बदल दिया, मथाने भी बदल दिया, मथने वाला भी बदल दिया, तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि उस समुद्र में जब मंदराचल के द्वारा मंथन किया जाने लगा तो भगवान कच्छप ने उसको धारण किया, तो उस कच्छप को बदल के अब यहां कौन सा नया कच्छप आप लावेंगे? तो स्वामी ने तुरंत कहा उसको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, परम रूप में कच्छप सोई और सब वस्तुएं बदलूंगा पर कच्छप को नहीं। और तब उन्होंने कहा कि यह जो श्रृंगार रस है, मैं आशा करता हूं थोड़ा गंभीर है पर आप उसको उस गहराई से ही सुनने की चेष्टा करेंगे, उनका श्रृंगार रस ही मंदराचल है। हम कवि की जो लक्षण कल्पना है उस पर ध्यान दीजिए, छवि का अमृतमय समुद्र और उसका मंथन करने के लिए श्रृंगार रस का मंदराचल, और उस समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल के चारों ओर बासुकी राग की रस्सी बनाई गई थी। यहां बोले बासुकी राग की रस्सी हो तब शोभा रज मंदर श्रृंगारू, शोभा की रस्सी हो और श्रृंगार रस का मंदराचल, और तब वह आप प्रसंग आपने जब पढ़ा सुना होगा कि यह मंदराचल को समुद्र में मथने के लिए लाया गया, रस्सी आ गई, पर मंदराचल जब जोड़े समुद्र में डाला गया तो उसका बोझ इतना भारी था कि वह नीचे की ओर धंस गया, नीचे चला जाएगा तो मंथन क्या होगा। और तब भगवान ने कहा अच्छा, तुरंत उन्होंने कछुए का रूप बनाया और उस पर्वत के नीचे आप आ गए, पर्वत को आपने अपने पीठ पर ले लिया और मंथन हुआ। कितनी उच्च क्रोध की कविता गोस्वामी जी ने किया,
उन्होंने कहा कि श्रृंगार रस का मंदराचल है तो बहुत विशाल, पर नीचे पाताल की ओर भी ले जाने वाला है। तब बोले भगवान जब इसके आश्रय दाता बन जाए कछुए के पीठ पर माने, वह श्रृंगार जो भगवान से अलग है वह तो समाज को नीचे ही ले जाएगा, वह श्रृंगार अधोगामी बनाएगा, पर जब भगवान उसके अंतराल में स्थित होंगे और भगवान का आश्रय आश्रय लेकर के वो तो प्रयोग होगा, तो वह मंदिर श्रृंगारू मथन पान पंकज निज मारू, यही विधि मंथन कौन करेगा, देवता और दैत्य नहीं, कामदेव मंथन करे, श्रृंगार रस मंदराचल हो, शोभा की रस्सी हो, शोभा की रस्सी का अभिप्राय है, अगर रस्सी नहीं होगी तो मथाली इधर उधर गिरेगी, और इसका अभिप्राय कि वैसा श्रृंगार हो जिसमें शोभा की मर्यादा बनी रहे, अश्लीलता की सीमा में न जाए, और भगवान का आश्रय लेकर के मंथन कामदेव करे। मंथन कामदेव से कराने में भावना क्या है, बोले काम ही तो लोगों के अंतःकरण में इन वासनाओं का और आसक्तियों का संचार करता है, पर काम जब पिता बन जाएगा मंथन करके तो अपनी पुत्री की ओर कोई पिता नहीं चाहता है कि किसी की कुदृष्टि पाए, इसलिए काम को ही यह काम सौंपा जाएगा, और यही भी उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत कहि कहे सिय समतुल। यह है सीता जी का विलक्षण सौंदर्य श्रृंगार, और उसे गोस्वामी जी को प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत करते हुए क्रम मानो यह था कि गुरुदेव के पूजन का समय है, और तुमको लगा कि समय मुझे पुष्प के लिए वाटिका में जाकर के पुष्प ले आना चाहिए, संकेत के आधार पर मर्यादा कर्तव्य पालन के लिए वे जाते, और वहां पर फिर जो वर्णन है वह तो श्रृंगार रस की पराकाष्ठा। यहां तक कि गोस्वामी जी किसी ने पूछा कि गुरु जी के लिए भगवान राम फूल ले आए, अपने पूजन के लिए कोई पुष्प उन्होंने लिया कि नहीं, तो गोस्वामी जी ने कहा मेरी भाषा में कहा कि नहीं, और पुष्प तो ले आए पर एक पुष्प ऐसा था कि जिसे भगवान राम ने अपने लिए रख लिया, और पुष्प कौन सा था, गोस्वामी जी कहते हैं अब हाँ आप देखेंगे, श्रृंगार रस का वर्णन, श्रृंगार रस का प्रसंग, और उसमें छोटा भाई लक्ष्मण, ये हमारे लक्ष्मण जी के चरित्र का कितना विलक्षण पक्ष है। भगवान राम अगर लक्ष्मण जी छोटा भाई है, छोटे भाई और बड़े भाई किसी श्रृंगार रस में सहभागी नहीं होते, भगवान राम लक्ष्मण से कह सकते हैं कि मैं वाटिका में अकेले जाऊंगा, पर जब भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के वाटिका में गए और गई ही भगवान श्री राम ने सीता जी के आगमन के क्षणों में जब कंकण किंतु नूपुर की धुन सुनी तो प्रभु ने एक कविता बनाई, और वो कविता बना करके ही उन्होंने सुनाया कि इसको लक्ष्मण को, वो भी आवश्यक नहीं था, कोई श्रृंगार रस की भावना उदित हुई है तो भगवान मन ही मनाने लेते, पर कंकण किंतु नूपुर धुन सुनी कहा तो लखन सुनी राम हृदय गुण, और कविता पूरी श्रृंगार रस की, लक्ष्मण तुमने सुना लगता है कि कामदेव बाजे बजाता हुआ विश्व विजय के लिए निकले, मानो मदन जिंदु ही देवी मनसा विश्व विजय का के लिए, और उसके इतने से ही नहीं जब प्रभु ने सीता जी को देखा और उस सौंदर्य को देखते रह गए तो फिर आपने चुनाव किया लक्ष्मण का, तात जनक तले आए सही धनुष यज्ञ जन काय होई पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिर फुलवाई, इतना कहके भी नहीं रुक गए, जास विलोक की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छो, जिस अलौकिक सुंदरता को देख करके लक्ष्मण आज मेरे मन में रहकर हो गया, यह मेरे मन में ऐसा क्यों आया मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मेरे मन में जो बात आई ये मर्यादा के विरुद्ध है कि नहीं, भगवान राम ने पहले भी श्रृंगार रस की कविता सुनाई, अब भी ये कहा कि सौंदर्य देख करके मैं आज क्षुब्ध मन में का अंतःकरण वाला हो गया, पर अद्भुत वह लक्ष्मण होंगे कि भगवान राम ने कविता सुनाई तो भी नहीं बोले, और कवि के लिए तो इससे बढ़कर दुखदायी कोई बात हो ही नहीं सकी, तो कविता सुना रहे और सामने वाला वाह वाह भी न करे,
अब लक्ष्मण जी से भगवान ने हम कविता सुना रहे हैं तो लक्ष्मण जी को एक शब्द तो बोलना चाहिए। वही लक्ष्मण जो भविष्य यज्ञ में धर रहे थे, परस राम जी पर लिंग का प्रयोग कर रहे थे, भगवान राम ने इतनी मधुर कविता सुनाई बिल्कुल नहीं बोले। भगवान राम ने कहा मेरे मन की दशा है बिल्कुल नहीं बोले और पूरी पुष्प वाटिका में नहीं बोले। मानो यह लक्ष्मण की भूमिका जिसकी व्याख्या आज समय नहीं है, तो लक्ष्मण जी को भगवान जब वाटिका में लेकर के जाते हैं और श्रृंगार रस के इस प्रसंग में लक्ष्मण जी उनके साथ है, कैसे वो अद्भुत उनका व्यक्तित्व रहा होगा, उनका चरित्र रहा होगा, उनका मन रहा होगा कि भगवान श्री राम को ऐसा नहीं लगता कि लक्ष्मण को इस प्रसंग में ले जाना उपयुक्त तो नहीं। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मण नहीं बोले और भगवान राम की स्थिति क्या करे, तो बतकई अंग सन, भगवान राम ने अपने लिए जिस फूल को लिया वो कौन है, बोले करे तो बतकई अंग सन मन सी रूप लुभान, और सब सरोज मुख सरोज मकरंद सब करत मधु पर लोपान। श्री सीता जी का मुख मानो कमल है, श्री राम का मन भ्रमर बन करके उस मुख कमल का रस ले रहा है और बोलने लगे लक्ष्मण जी से करत बतक कही। लक्ष्मण जी कितने रसिक हो गए, कल्पना कीजिए कि उन्होंने सोचा कि इसका अर्थ ये है कि बड़े बड़े दुबला में पड़ेंगे, मैं उन्हें तो मुझसे भी बात करना चाहिए, उधर भी रस का आनंद लेना चाहिए, ऐसा अपने को शून्य बना दो कि समझने की लक्ष्मण यहां है ही नहीं। जिस दिव्य रस और आनंद का प्रभु अनुभव कर रहे हैं प्रभु, उसमें मौन रह करके जो उन्होंने महानतम रस की सृष्टि में सहयोग दिया और वह कितना कल्याणकारी कितना निरक्षण है, उस समय लक्ष्मण की वह श्रृंगार रस में जो भूमिका हुई किस रूप में उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना बोलिए।